हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में। देखा जाए तो यस्टरडे 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग नजर आई, और देखा जाए तो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हमें शेयर प्राइस के ऊपर एक ज़बरदस्त पाइक आती हुई देखने को मिली थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। और इस खबर के चलते हमें ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल नज़र आया। तो क्या खबर निकल के आई है उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, और खबर के चलते आगे क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकता, कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस सपोर्ट आ सकता है, उन सभी बातों के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखा जाए तो IDBI बैंक का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी देखें तो तकरीबन 43-45% के आसपास की गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, और LIC की बात करें तो LIC की तकरीबन 49% के आसपास की हिस्सेदारी है। और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट्स की ओर से बड़े बयान आए थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर। अब मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है प्राइवेटाइजेशन की वो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है, तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। और कल जो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र करते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, और बताया जा रहा है कि RBI टैक्स IDBI बैंक आउट ऑफ PCF फ्रेमवर्क आफ्टर लेंडर इंप्रूव्स फाइनेंस। जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है IDBI बैंक में। और आपको पता होगा कि 2017 से IDBI बैंक RBI के अंडर में थी, उसके निगरानी में थी, जो कि आप देख सकते हैं PCA में इसको शामिल कर दिया गया था। PCA का मतलब होता है प्रॉप्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि दोस्तों इसमें वही बैंक आती है जिस बैंक की हालत बहुत खराब हो जाती है, MPA ज़्यादा हो जाता है, बैड लोन्स ज़्यादा हो जाती है, वो सभी बैंक्स PCA के अंडर में आ जाती है, यानी RBI के निगरानी में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैंक ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ज़्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं IDBI बैंक का जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। तो अब जिस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं IDBI बैंक की ओर से, के चलते RBI ने दोस्तों डिसीजन लिया है कि उसको अब जो PCA के अंडर में IDBI बैंक थी उसको वहां से अब कहीं ना कहीं निकाल दिया जाएगा, PCA में से उसको आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकालेगा। तो इससे IDBI बैंक का जो ग्रोथ होगा वो अब कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलेगा। IDBI बैंक लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर सकेगी, ज़्यादा डिपॉजिट ले सकेगी, तो उससे क्या होगा कि उसका जो बिजनेस है वो कारोबार बढ़ेगा। तो डेफिनेटली IDBI बैंक में हमें बढ़िया ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की दोस्तों एक खबर निकल के आई है जो कि अपने में काफ़ी पॉजिटिव खबर है IDBI बैंक के लिए। और अब देखा जाए तो LIC और गवर्नमेंट्स दोनों स्टेक्स सोल्ड करने जा रहे हैं IDBI बैंक में से, तो इसकी जगह पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आएंगे और बड़े प्रोफेशनल बायर कहीं ना कहीं IDBI बैंक में एंट्री ले सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं IDBI बैंक का जो ग्रोथ है वो भी अब ज़बरदस्त होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता होगा कि जो सरकारी कंपनी है उसका जो ग्रोथ होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है प्राइवेट बैंक्स के हिसाब से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं IDBI बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो मुझे लगता है कि बड़े ग्रोथ और बड़ी मोमेंटम आपको IDBI बैंक में देखने को मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो ये अपने आप में दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही थी, जो कि मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि IDBI बैंक उड़ान भरता हुआ आपको नज़र आ सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो आगे क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कौन से लेवल पर रजिस्ट्रेशन सपोर्ट आ सकता है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। उससे पहले कल यानी यस्टरडे किस तरह का कारोबार रहा था उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आया है, और यहाँ पर मैंने IDBI बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। कल यानी यस्टरडे के कारोबार की बात करें तो हमें तकरीबन 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग नजर आई। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 36.45 रुपये पर प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, और ओपनिंग की बात करें तो 36.80 रुपये पर प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, हाई बनाया और 39.50 रुपये तक का हाई बनाया। लो की बात करें तो तकरीबन 35.35 रुपये पर लो देखने को मिला था, और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 38.25 रुपये पे क्लोजिंग देखने को मिली, यानी डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग नजर आई। और डेलिवर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो तकरीबन 6,17,62,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डेलिवर क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 1,80,80,000 क्वांटिटी हमें डेलिवर क्वांटिटी नजर आई। डेलिवर परसेंटेज निकल के आ रहे वो तकरीबन 30% के आसपास के डेलिवर परसेंटेज देखने को मिल रहे, तो वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, और अच्छी खासी खरीदारी भी हमें देखने को मिली थी कल यानी यस्टरडे। तो कारोबार का सिचुएशन तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अब हम चार्ट के ऊपर नज़र करते हैं और देखते हैं कि
लेवल और आगे किस तरह के लेवल और टारगेट हमें IDBI बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने IDBI बैंक का चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरो दम या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कल जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 38.25 रुपये के आसपास क्लोजिंग नजर आई। और यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो 32-33 रुपये के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यही लेवल हमें पहले एज रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा था और ये रेजिस्टेंस लेवल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। और अब देख सकते हैं दोस्तों, यही रेजिस्टेंस लेवल अब आपको नेक्स्ट एज सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ ऊपर की तरफ तो तकरीबन 40 और 44 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली बार भी कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, रिजेक्शन देखने को मिला था। तो अब नेक्स्ट यही लेवल हमें एज रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा 40 और 44। अगर यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर ऊपर की तरफ आपको तकरीबन 65 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 56 और 65 दो टारगेट ऊपर की तरफ आते हुए नज़र आ सकते हैं अगर यहाँ पे दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, तभी आपको एक बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और नीचे के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो तकरीबन 32 रुपये और उसके नीचे 26 रुपये। तो नीचे के लेवल पे दो सपोर्ट लेवल को वॉच आउट कीजिए और ऊपर के लेवल पे दो रेजिस्टेंस लेवल को। और अगर आपने पोजीशन बना के रखी है IDBI बैंक में तो आप चाहे तो तकरीबन 30 रुपये के SL के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं IDBI बैंक में और तकरीबन 60-70 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बड़ी खबर आई, कोई बड़ा बायर आया, तो मुझे लगता है कि 100 रुपये तक भी जाने का दम रखता है IDBI बैंक। उसके लिए कोई बड़े बायर आने चाहिए IDBI बैंक को खरीदने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये भी टारगेट बहुत ही आसानी से 100 रुपये तक भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। बड़े टारगेट तभी देखने को मिलेंगे जब आपको 40-44 के ऊपर निकलता हुआ IDBI बैंक देखने को मिलेगा, तभी मुझे लगता है कि 80-100 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। माल लेके रखा है तो थोड़ा दबा के पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले। और चैनल पर नया है तो ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।